कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान नहर के कमांड एरिया में ही मूंग की बुआई करें, नहर का पानी नीचे से ऊपर की ओर निर्धारित योजना अनुसार ही दिया जाएगा, किसी प्रकार की समस्या होने पर किसान सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील की है कि कोई भी कानून को हाथ में न ले। होली और भाई दूज पर्व के मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान भाइयों से अपील है कि वह डैम के बांध को न खोलें न बंद करें, यदि कोई समस्या है तो अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से या स्वयं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कानून को अपने हाथ में न लें, कानून को हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर तवा नहर का पानी नियमानुसार छोड़ा जा रहा है, इस पानी से सभी को फायदा होगा, नदी नालों में पानी भरेगा जिससे मवेशियों को भी इससे फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो होली की बुलंदी की और भाई दूज की बधाई सबको। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में उनके निर्देश पर हमने तवा नहर का पानी 23 मार्च से छुड़वाया है। 3008 पर रेगुलर 2050 क्यूसिक पानी हरदा जिले के किसानों को मिलेगा, जिसमें HPC और LPC में बराबर पानी डालेंगे, जितना जितना एरिया है। 35,000 हेक्टेयर में हमने कमांड एरिया में लिया है, लेकिन इसके अलावा भी नदी नालों में पानी भी जाएगा, तालाब भी भरेंगे, पीने के पानी भी मवेशियों को मिलेगा, लेकिन जितना एरिया कमांड है उसी में बोनी करें, नहीं तो आपका बीज और खाद खराब होगा, पानी रेगुलर मिल नहीं पाएगा। और इसलिए जितने एरिया में पानी जा सकता है, जहाँ पर सिंचाई विभाग ने घोषित किया कमांड एरिया, उतने में ही बोनी करें। दूसरा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ बराबर, जहाँ जहाँ एरिया नीचे तक पानी जाएगा, टेल तक, टेल के टेल टू हेड इस बार नियम रहेगा। और इसलिए किसान भाइयों, सिंचाई विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी, जिला पुलिस प्रशासन पूरा आपको सहयोग कर रहा है, लेकिन कोई भी किसान भाई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि नहर में गेट पर ना जाए, कानून अपने हाथ में ना लें, नहीं तो हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी शासकीय कार्य में बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कानूनन। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।